मैं हूँ राधे माँ। दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े। मेरे मन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता, मेरे मन में बसी है माता। मेरे मन में बसी है माता, मेरे तन में बसी है माता। कहते हैं ईश्वर जोड़ियां ऊपर से बनवा के भेजता है, लेकिन यहां तो मानो खुद ईश्वर जोड़ियां बनाने दिल्ली की वसुधा पर मौजूद हो गए। जी हां, ममतामयी श्री राधे माँ जी आज पहुंची हैं अपने परम भक्त अरुण जोशी की सुपुत्री पलक जोशी का विवाह कशिश के साथ होना तय हुआ था, और इसी खुशी में चार चांद ममतामयी श्री राधे माँ जी की उपस्थिति ने लगा दिया। वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ने ही माता जी का भव्य स्वागत किया। मेरे मन में बसी है माता, मेरे मन में बसी है माता, मेरे मन में बसी है। कोई माता जी की आरती कर रहा था, तो कोई पुष्प वर्षा, तो कोई जयकारे लगाते हुए थक नहीं रहा था। हाथों को जोड़े सभी भक्तगण श्री राधे माँ जी के पावन दिव्य दर्शन पाके भाव विभोर हो उठे। सर्वप्रथम माता जी ने दोनों नव जोड़ों को प्यार से गले लगाया, उसके उपरांत माता जी ने दोनों को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और दोनों नव जोड़ों ने जयमाला किया। और दोनों नव जोड़ों ने एक साथ एक दूसरे का हाथ थाम के माता जी की परिक्रमा भी की, और वैसे भी जिसे पृथ्वी की परिक्रमा करनी हो तो वह अपने माता पिता की परिक्रमा करे तो उनको पृथ्वी परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो जाता है, और यहां तो साक्षात ममतामयी श्री राधे माँ जी की उपस्थिति थी। फिर क्या था, दोनों नव जोड़ों ने माता जी की ही परिक्रमा करी, अपने भविष्य में आने वाले समस्त कष्टों का निवारण कर। ना जानू मैं भेद कोई, ना जान मेरे अंतर में, ना जानू मैं भेद कोई, ना जान कोई अंतर में। मन ढूंढ रही है सारी दुनिया,
साथ देवी माँ जी यहाँ पे पधारे, राधे माँ जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ और बहुत टाइम से हम, हमारी उम्मीद थी कि हमारे पास आए माँ दर्शन दें, और हमारे खास मौके पे हमने उनके साथ फेरे लिए हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। कुछ नसीहत भी दी है तो क्या लगता है कि आगे चलकर नसीहतें काम आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल काम आएंगी, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। हम हमेशा उनकी सेवा में लगे रहेंगे, आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी लगे रहेंगे। सबसे पहले तो आपको शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आज आप शादी के समारोह पे साक्षात राधे माँ जी यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मेरी शादी पे साक्षात आदिशक्ति आई हैं, उससे इससे ज़्यादा अच्छी किस्मत तो शायद किसी की हो। काफ़ी नसीहतें भी देखी गई है राधे माँ जी आपके पारिवारिक जीवन के लिए, तो क्या कहते हैं कि अमल में आएगा वो सारा? देवमा जी ने बोला है तो पत्थर पे लकीर है, बिल्कुल आएगा, जैसा देवमा जी हुक्म करेंगे वैसा ही होगा। एक्सपेक्ट करते थे कि माता जी आएंगी यहाँ पे? हमने प्यार से बुलाया था, देवमा जी दौड़े चले आए। ममतामयी श्री राधे माँ जी ने इन दोनों नवजोड़ों को आशीर्वाद ही नहीं दिया अपितु इनके आगे के पारिवारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन भी किया। मेरे को निश्चित है कि जितनी भी बेटियां मेरी सेवा में गई, मैंने उनको यही ज्ञान दिया है कि जब तुम्हारी शादी हो जाए, जो भी बेटियां ज्यादा माँ या बाप का पीछा करती हैं, फिर उनकी लाइफ ज्यादा स्मूथ ही चलती। अब तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, पति परमेश्वर का दूसरा रूप है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। मैं वो बात कहती हूँ जो मैंने किया, मैंने अपनी सास को ही माँ माना, जो ज्यादा मायके का पीछा करती है वो कभी भी लड़की बस नहीं पाती। अब सास को जिस ढंग से भी मर्जी उसको खुश करना है, और जब तुम्हारी भाभी आएगी उसको भी मैं यही ज्ञान दूंगी। अब ज्यादा मोह छोड़ना है इसका, अपने काम में ध्यान देना है, मम्मी पापा की सेवा करनी है। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर कभी मम्मी का दे दे तो खाना, तो मैं समझूंगी कि तुम मेरी बेटी हो। बोल सच्चे दरबार की जय। पहले पारिवारिक सेवा, फिर सामाजिक सेवा, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये मेरा पहला ध्यान है। पहले पारिवारिक सेवा, फिर सामाजिक सेवा। जब हम रोते हैं तो सिर्फ हमारा परिवार अपने लिए खड़ा होता है, चाहे अपना सब कितना भी दिल दुखा दे। Our beauty lies in the eyes of the beholder. तुम्हारी दुल्हन बहुत सुंदर है, तो आप अपने दुल्हन का दिल हमेशा खुश रखना और माँ का दिल कभी दुखाना। जय जय करार राधा मैया जी का। बोल तुम्हारे साथ और अरे उम्मीदें ना करना, आ गया भाई मेरा बाप, उसको यही बोल जहाँ मेरी है तेरे लाड़ी, तुझको सुख सत्कार मिले, तुम्हारी एक कभी ना याद आए, तुझको उधर से इतना ही कराते हैं। ये हमारे इंडियन मिनिस्टर हैं, तिलकम। मैं हूँ राधे माँ, दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े। yeah. Yeah.